सभी छात्रों का गणित दर्पण चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लघुतम सीमावर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से किस ढंग से निकाला जाता है। तो ये जो 10 क्लास के अंदर आपके स्टार्ट में फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही आपको मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लसप निकालने के बारे में। बोर्ड क्लास के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो आपको अच्छे ढंग से इसको समझना है। शॉर्ट में इसको कहते हैं लस और लसप भी कह सकते हैं, और साथ ही इंग्लिश में याद रखना है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने भाग विधि से पूरा आपको कंप्लीट बता दिया था, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। ठीक है, अब यहाँ पे किस ढंग से करना है, 8, 10 और 12 तीन डिजिट लिए मैंने, कितनी भी डिजिट आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक कितनी भी डिजिट आए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लस है वो इजीली निकालना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 8, 10 और 12 लिया है। निकालने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड हमने अच्छे ढंग से समझा हुआ है। देखिए एक कॉलम बना के आपको इस ढंग से सबसे पहली डिजिट लेना है, फिर दूसरी डिजिट का भी ऐसे कैसे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और तीसरी डिजिट की भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, यानी जितनी डिजिट आपको दे रखी है उन सभी डिजिटों का आपको एक एक करके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्या करना है, 8 और अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले 2 का भाग यदि जाता है तो देना है, अन्यथा 3 का देंगे। तो यहाँ पर 8 के अंदर 2 का भाग ईजिली जा रहा है तो मैं दे दूँगा। 2 का भाग 8 के अंदर कितनी बार गया, 4 बार। ठीक है, 4 के अंदर वापस देखिए 2 का भाग इजीली जा रहा है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, कितनी बार गया, 2 बार। और 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। यानी 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने में भी आपको यदि दिक्कत है तो ये भी वीडियो बनाया हुआ अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा, उस वीडियो को तो आपको ईजी लगेगा बहुत। ठीक है, अब देखिए 10 के अंदर भी आपको देखना है कि 2 का भाग यदि जाता है तो देना है, यदि 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का, 3 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, सीधा 5 का, यानी अभाज्य संख्या का यहाँ भाग देना है। तो देखिए 10 के अंदर 2 का भाग इजीली जा रहा है तो 2 का दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा, 1 बार। ठीक है, 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 12 के, 12 के अंदर देखिए 2 का भाग इजीली जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का ही जाएगा, 1 बार। ठीक है, इन सब के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है वो अच्छे ढंग से समझना है, यहाँ तक अधिकतर बच्चों को आता होगा, अब आपको समझना अच्छे ढंग से। देखिए सबसे पहले 8 है, इस 8 के अभाज्य गुणनखंड मैं लिख रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर जो भी आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए उसको घात के रूप में लिखना है, तो आपके कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसको मैं घात के रूप में लिखता हूँ, देखिए 1, 2 और 3 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3। ठीक है, घातांक नियम भी अच्छे ढंग से आपने समझा हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 3। इसी प्रकार मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ, 10 के ये पूरी पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखना है, 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, देखो 2 × 5, तो 2 × 5। इसको भी मैं घात के रूप में लिखूँगा ताकि आपको समझने में ईजी रहे। देखिए 2 की घात सिर्फ 2 ही है, 1 ही है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 1 है, और 5 भी 1 है सिंगल, तो ये भी 5 की घात 1। ठीक है, नेक्स्ट है 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार पूरी लाइन लिख के 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3। यहाँ पर भी घात के रूप में लिखता हूँ, देखिए 2 और 2 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिखूँगा 2 की घात 2। ओके, और 3 है वो एक सिंगल है, इसको लिखेंगे 3 की घात 1। अब आपको जो लघुतम सीमावर्ती निकालना है यानी लसप पूछा है, तो क्या करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ 8, 10 और 12 का लसप। ठीक है, यानी वही LCM क्या हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि इन 3 संख्या पूछा है, देखिए 8, 10 और 12,
के अंदर प्रत्येक संख्या की जो उच्चतम घात है उसका गुणनफल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो इन तीनों में से आपको क्या लेना है, सबसे उच्चतम घात को लेना। देखिए 2 की घात 3 नज़र आ रहा है यहाँ, इसलिए मैं ले लूँगा 2 की घात 3 फिर इंटू, अब आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 3 और 1 5 ठीक है। तो यहाँ पर 3 की घात 1 है वो सिंगल ही है, अगर यहाँ पर और होता 3 की घात 2 तो मैं इसको लेता 3 की घात 2 को ठीक है, परंतु यहाँ 1 ही है इसलिए 3 की घात 1 ही लेना पड़ेगा। फिर इंटू 1 क्या नज़र आ रहा है और डिजिट 5, तो यहाँ पर भी सिंगल है तो 5 की घात 1। वापस इसको रिपीट करता हूँ देखिए ताकि समझने में ईजी रहे। सबसे पहला काम क्या है, सभी डिजिट को लेना है, पहली बात तो ये। दूसरा आपको क्या करना है, उच्चतम घात को लेना है, यानी प्रत्येक डिजिट की उच्चतम घात का गुणनफल, यही है एलसीएम ठीक है। तो प्रत्येक डिजिट लेना है, 2 भी है 3 भी है और 5 भी है, तो यानी डिजिट सब आने चाहिए, प्लस उच्चतम घात लेना है। देखिए 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3, तो मैंने क्या लिया है 2 की घात 3 को राइट। इसी प्रकार यहाँ 3 था, 3 की घात 1 ही था, तो मैंने 3 की घात 1 ले लिया। मान लो यहाँ और होता 3 की घात, जैसे यहाँ पे 3 की घात 2 या 3 की घात 3, तो मैं 3 की घात 3 को सेलेक्ट करता ठीक है। उसके बाद में 5 की घात सिंगल था तो 5 की घात 1 ले लिया। अब आपको इनका गुणनफल करना है, तो देखिए 2 की घात 3 है, गुणा कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की घात 1 यानी सिर्फ 3, और 5 की घात 1 का मतलब हुआ 5। अब इनका गुणा कर दो, ये आ गया आपके एलसीएम। तो देखिए यहाँ 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, और 24 इंटू 5 कितने हो गए 120। तो ये आ गया इसका लसपा ठीक है। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का लघुतम समावर्ती निकालने का। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।